hôm nay đùng lê chanh đu bám. तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन न्यू स्टोरी टाइम वीडियो। तो गाइस, आज मैं आपको मेरा एक जो 2020 में एक घटा हुआ घटना के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो एक बात की बात है, जब मैं 8 क्लास में था तो मैं ट्यूशन जाता था मेरे एक फ्रेंड के घर, ठीक है। उसका नेम हम इसके उसका नाम तो मैं रिवील नहीं कर सकता, तो उसका नाम है अभी हम देते हैं नॉलेज, ठीक है। उसका नाम नॉलेज के घर में जाता था पढ़ने के लिए। तो एक बार घर जाता था पढ़ने के लिए, और ठीक है, और रास्ते में मैं जाता था ठीक 3 बजे, शाम के 3 बजे, और आता था लगभग 6 और 5, कभी कभी 5 और 6 बज जाते थे। तो ऐसे ही होता था। तो मेरे पास एक साइकिल था, ठीक है, गैंग में एक सिर्फ फैट बॉय का, तो ठीक है, वो मेरे पास एक साइकिल था, लेकिन वो वाला ओरिजिनल गैंग का था, ठीक है। उसका प्राइस समथिंग कुछ 8000 कुछ आसपास था। तो मेरे गांव में, गांव में रहता था, तो गांव में रहता, अभी भी गांव में रहता हूँ, ठीक है। और वहाँ पे मेरे में जैसा सेम मतलब कॉपीकेट जो बोलते हैं, ठीक है, एक वैसा ही साइकिल डिट मेरी तरह सेम कलर में ले आया, ठीक है। मैं उसको कुछ नहीं बोलता था, मैं वो भी मेरे को कुछ नहीं बोलता था। एक बार की बात है, क्या हुआ ना, एक बच्चा मेरे को पूछ, वो मेरे को खुद ही बोल रहा था कि मेरा साइकिल का जो प्राइस है वो 4000 है और तेरा साइकिल का 8000 क्यों है। मैं उसको बोला कि वो ये वाला साइकिल तेरे को जो भी दिया है कॉपी कट वर्जन दिया है, ठीक है, और ये वाला मतलब ओरिजिनल गैंग का नहीं है। तो मैं उसको बोलने लगा, ठीक है। और कुछ दिन के बाद एक बच्चा है, बोला कि ये तेरा साइकिल जो हमारा जो मेरे जो डुप्लीकेट साइकिल वाले का उसका नाम ले लेते हम जलेबी, ठीक है, और जलेबी के पास डिट्टो दे रहा है जैसे सेम दिखने वाला साइकिल है। तो मैं बोला कि नहीं भाई, प्राइस में सन डिफर है और तो क्वालिटी में डिफर है, ठीक है। उसको बोला, वो जाके जलेबी को बोला, ठीक है। जलेबी गुस्सा हो गया क्योंकि उसके सामने मैं उसका साइकिल के बारे में ऐसे क्या क्यों बोला। तो वो जाके बोला, तो मैं आ रहा था ट्यूशन से, लौट रहा था, ठीक है, और एक दो मैं अपना पुराने वाला साइकिल से आ रहा था, टाटा स्टार्टर साइकिल था, तो रास्ता ख़राब था इसलिए मैं नया साइकिल नहीं लेके नहीं गया था, क्योंकि जो रास्ता था उसको फिर से दोबारा बना रहे थे। तो मैं अपना पुराना साइकिल लेके गया, तो वो रात के कुछ मतलब 6:30 बज गए थे, मैं ट्यूशन से आ रहा था। वो रास्ते में उसका एक फ्रेंड था, उसको हम इसके लिए लुंगी बुलाते हैं, ठीक है, लुंगी को पकड़ के जले भी खड़ा था रास्ते में। तो अभी उनका मैं मुँह देख, मैं जान गया था कि ये वही इसी के लिए आए हैं। तो मैं उनको देखे, उसमें साइकिल बिल्कुल तेज़ में भागा, ठीक है, भागा तेज़ में भागा, लेकिन वो जाले बताने आए थे कि उसका साइकिल ख़राब हो गया है, कॉपी कैट साइकिल था इसीलिए वो ख़राब हो गया है। तो कहाँ पे बनाता है वो साइकिल उसको पूछने वाला था। मैं नहीं जानता, मैं स्पीड उड़ रहा हूँ, एक मतलब एक बुज़ुर्ग आदमी था वो चल के जा रहा था, इतना स्पीड मैंने लिया, उसके सामने जो आता था ना फ्लिपकार्ट में एक हॉर्न आता था, ठीक है, उसको मैंने उसके सामने बजाया, ठीक है, वो चम मतलब वो भाई क्या था भाई, मैं भी उस दिन के बारे में सोचा था मैं क्यों भगाया। तो वो ऐसे ही पूछने मैं घर पे आ गया, तो वह घर पे आ गया, ठीक है, मैं घर पे छुपने लगा क्योंकि भाई घर पे क्यों आ गया है, तो मैं छुपने लगा। लेकिन वो आके मेरे को बोलता है कि कहाँ पे तेरा साइकिल बनाता है, मेरे को दे, मैं भी रिपेयर करने वाला हूँ मेरा साइकिल, और मेरा कॉपी कट साइकिल है इसलिए मेरा साइकिल ख़राब हो गया। तो मतलब मैं उठा और हंसने लगा, बोला क्यों हंस रहे, तो मैं बोला ये बात है। तो वो कुछ नहीं बोला, और उसके बाद मैं उसको बोला कि यहीं पे मैं बनाता, वो चला गया उसके बाद बनाने के लिए। तो वो जो बूढ़ा आदमी मेरे से गलती की वजह से गिरा था, वो अगले दिन मेरे से घर पे आके बोल रहा था कि मेरे पेरेंट्स के पास आके बोलता है कि आपका बच्चा बहुत तेज साइकिल चलाता है। मैं भाई बोला कि भाई रास्ते मतलब उसको थोड़ा ज़्यादा नहीं दिखा देता, ठीक है, वो हमारे घर पे नहीं, हमारे पड़ोसी के घर पे आके बोल रहा था कि आपका बच्चा, मैं वहीं पे खड़ा के हंस रहा था। भाई क्या है, मतलब कहना क्या चाहते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टोरी टाइम के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तू अब चांदू तेरी जान से आया तो परेशान तू करे खान, तू तो टिकना असंभव, तो सबसे उसे लड़ लूंगा जल्दी से, टाल तू ले रनिंग फटाफट उठा ले सटा सर, जितना भी बंदूक मिले।